आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। एक बन गया डॉक्टर, एक बन गया इंजीनियर, एक बन गया आईपीएस और एक जो है कबाड़ा चुन रहा है, तो क्या माँ खुश रहेगी? माँ को तभी खुशी मिलेगा जब उसका चारों बेटा खुशहाल हो, चारों बेटा अधिकारी हो और देश की मजबूती में लग जाए। और ये तभी होगा जब आपका अपना कोई नेता होगा जो आपका वकार बन करके, आपकी आवाज को अपनी आवाज बन करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में जब बोलेगा तो आपके हक में निर्णय होगा। आज एनआरसी आया, सीएबी आया, या तीन तलाक का मामला आया, जो भी मामले आए उसके बारे में जानकारी कब हुई आप लोगों को? जब बैरिस्टर साहब ने संसद में बोला, जब बैरिस्टर साहब ने आवाज उठाया। तो इसलिए मेरी माँ बहनों से, खास करके गुजारिश है मेरी माँ बहनों, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आपकी अहम भूमिका है। आप जब हमें पढ़ा लिखा करके अधिकारी और नेता बना सकते हो तो आप अपने वोट से अच्छा नेता भी चुन सकते हो। इसलिए उम्मीद करते हैं कि मेरी माँ बहनें आने वाला चुनाव, चाहे जहाँ कहीं भी हो रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव हो, आपका सगे संबंधी रिश्तेदार हो उनको फोन करके। और जो बात मेरे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि हमें सबको एक साथ रहना है, पतंग के निशान पर ही वोट देना है, कोई और पार्टी को किसी को वोट नहीं देना है। और ये वोट हमें क्यों देना है आप सबको इस का पता होना चाहिए कि हमें क्यों देना है। हमने अब तक सबको वोट देकर देखा है, सबको, सब लोगों ने वोट दिया है और बहुत सारे कैंडिडेट हमारे मंच में आए हैं। उन लोगों ने आपको क्या दिया? आप लोग खुद अपने से सोचिए कि उन्होंने आपको क्या दिया। तो आप लोगों को कोई ऐसा नेता चाहिए जो कि आप लोग की बात सुन सके, जो आप लोग के बीच में रहता हो, आप लोग की बात सुन सके। तो आप लोग को किसी और को नहीं चुनना है, सिर्फ आप लोग को पतंग का निशान देखकर उस पर वोट देना है। यहाँ पर जो भी माँ बहने या मेरे भाई सब बैठे हैं, सबको अपने परिवार को देखना है कि वो सब अपने परिवार से जितनी वोट हो सके उतनी वोट ले जाकर के डालें। बाद में ऐसा ना हो कि हम सब यही कहते रह जाए कि हमारे नेता तो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने वोट नहीं दिया। आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने के लिए। वोट डालिए और वापस आ जाइए। ऐसा टाइम देख लीजिए जब कम भीड़ हो उस वक्त जाकर आप वोट डालें, लेकिन वोट डालनी जरूर है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से वादा लेना चाहती हूँ, किस पार्टी को वोट करेंगे? किस पार्टी को? अभी भी नहीं आई पीछे से, 10 मिनट दुनिया, 10 मिनट यहाँ इकट्ठा करने का हमारा महिला फैसला है। मैं बहनों से कहना चाहता हूँ कि महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझसे पहले कोई ये पोस्ट के लिए खास काम होते नहीं। बहनों से जाकर बात के हम राजनीति के बारे में बहुत करते हैं, हमें राजनीति के बारे में समझना बहुत जरूरी है, हमें अच्छा वोटर बनना भी बहुत जरूरी है। और अगर हमारे अंदर क्षमता है, मैप है, तो एक लीडर बनना भी बहुत जरूरी है, यही डिमांड है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ बहनों का, बड़ी और आप सब भाइयों का कि आप यहाँ मौजूद और इंतजार किया और मेरी बात सुन रहे हैं। यहाँ पर बैठिए, खास तौर पर मैं अपनी जी, हमारी बहन महिला सभा की जिला अध्यक्ष।